भागवत जिसमें भगवान की कथाएं हों, भगवान के भक्तों का संबंध भगवान से हुआ हो, उसे ही भागवत कहते हैं। और भागवत सुनने का विशेष फल यही है कि भगवान में श्रद्धा हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, कि भागवत श्रवण करने का मतलब ही ये है, भगवान में श्रद्धा हो, भगवान में प्रेम हो, भगवान में भक्ति हो। तो जब भगवान में श्रद्धा होगी तो ऑटोमेटिक भगवान से प्रेम होगा, तो जब प्रेम होगा तो भक्ति होगी। तो ये सब कैसे होगा कि जैसे ये मन है तो मन कानों के द्वारा भगवान की कथा का श्रवण करे, आँखों के द्वारा भगवान के रूपों का दर्शन करे, हाथों के द्वारा जैसे अम्बरीश जी सप्त दीपवती महीम, सातों दीपों के राजा होते हुए भी अम्बरीश जी करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, कि हाथों से अपने हाथ ही झाड़ू लगाते थे, और आदिशु से मतलब हो गया पोंछा भी वे स्वतः ही लगाते थे। ऐसा नहीं था कि मंदिर में कोई किसी को वे चाहते तो रख भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, क्यों कि उनके अंदर भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति विश्वास है। तो मेरी एक एक इंद्रिय हर समय भगवान में लगी रहे, और जब भगवान में लगी रहेगी तो अंतिम गति भी सद्गति की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री कृष्ण।